Overview. Introduction. तो स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। ये है मेरे पास जॉय कंपनी का जेनेक्स नानो इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम विंटर में ईवी को चलाते हैं तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो क्या कम टेम्परेचर में ईवी कम रेंज देती है, और अगर कम रेंज देती है तो कौन सी बैटरी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, लिथियम आयन बैटरी या लीड एसिड बैटरी। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन को और जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि विंटर में यानी कोल्ड टेम्परेचर में हर ईवी की रेंज कम होती है, चाहे वो कार हो, स्कूटी हो या बाइक। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी बैटरी कोल्ड टेम्परेचर में जल्दी डिस्चार्ज होती है। तो देखो, अगर आपके ईवी में लीड एसिड बैटरी है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि लीड एसिड बैटरी की इफिशेंसी कोल्ड टेम्परेचर में भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम लीड एसिड बैटरी वाली ईवी को विंटर में चलाते हैं तो बहुत ही कम रेंज डिक्रीज होती है, और ये इतनी कम होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है कि अगर आपके ईवी में लीड एसिड बैटरी है तो आपको उतनी ही रेंज मिलेगी जितनी रेंज आपको समर या रेनी सीजन में मिलती थी। तो अभी हम बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी की। तो पहले हम लिथियम आयन बैटरी के नेचर को समझ लेते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी बेस्ट इफिशियंसी रूम टेम्परेचर में देती है, यानी 25 डिग्री टू 30 डिग्री पर। तो जब लिथियम आयन बैटरी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी इफिशियंसी धीरे धीरे कम होती है। सिमिलरली जैसे जैसे लिथियम आयन बैटरी का टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे उसकी इफिशियंसी कम होती है। तो इसी तरह जब सर्दियों में टेम्परेचर 10 डिग्री से कम चला जाता है तो लिथियम आयन बैटरी वाली ईवी की इफिशियंसी कम हो जाती है, पर 6 या 10 डिग्री टेम्परेचर होने से ज़्यादा इफिशियंसी कम नहीं होती है। जब टेम्परेचर माइनस डिग्री में जाता है तब इफिशियंसी 20% से कम होती है और रेंज में बड़ा डिफरेंस दिखता है, पर महाराष्ट्र में मैक्सिमम 6 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो इतने टेम्परेचर में बैटरी पर ज़्यादा असर नहीं होता है और ईवी चलाते वक्त रेंज में बहुत कम डिफरेंस दिखता है, यानी कि ईवी की रेंज बहुत कम डिक्रीज होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 किलोमीटर। पर अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम ये कैसे पहचाने कि हमारे ईवी में लीड एसिड बैटरी है या लिथियम आयन। तो देखो, आपको पहले अपने ईवी की डिक्की खोलनी है और इसको ऊपर करना है, फिर आपको बैटरी पैक दिखाई देगा। तो अगर आपकी ईवी में कुछ ऐसे छोटे छोटे बैटरी है तो ये लीड एसिड बैटरी है, और अगर आपकी ईवी में एक ही बैटरी पैक है तो ये लिथियम आयन बैटरी है। एंड ऑफ वीडियो। तो ऐसा था कुछ आज का वीडियो, विंटर में ईवी की रेंज डिक्रीज होती है या नहीं मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपको तुरंत नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। पर अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर अगर प्राइवेटली मैसेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में।